कुंज में एक बार कन्हैया श्रीजी के केश श्री राधा जी के केश सहला रहे थे श्री जी ने अचानक पूछ लिया काना केश उलझा रहे हो या सुलझा रहे हो जैसे ही पूछा कन्हैया ने कहा राधे ही बताओ सुलझाऊं या उलझाऊं और जब बात श्री जी के पाले में ही आ गई कन्हैया ने प्रश्न पर प्रश्न कर दिया कि ही बताओ सुलझाऊं या उलझाऊं श्री जी को अवसर मिल गया और कहा काना मेरे से पूछ रहे हो कि सुलझाऊं या उलझाऊं मैं तो यह कहूंगी इतने उलझा दो इतने उलझा दो इतने उलझा दो कि फिर सुलझाने में स्वयं उलझे रह जाओ सुलझाने में स्वयं उलझे रह जाओ अब तत्वों की बात समझे इसमें क्या है रहस्य की बात क्या है ना उलझने से मतलब है ना सुलझने से मतलब है मतलब तो है आपके साथ से और मेरा विश्वास है काना आप साथ हो तो निश्चित रूप से उलझन उलझन रह ही नहीं सकती उलझन उलझन रह ही नहीं सकती यदि आप साथ हो और सत्य यही है कि जब मन उलझने लगे कहीं किसी भी तरह से किसी भी टेंशन में तनाव में उलझने लगे उस समय साधन एक है सोच को नेगेटिव नहीं बनाओ निराश ना हो जाओ उस समय भाव यही बनाओ कि मेरे मन कोई बात नहीं इतनी अनुकूलताएं भी तो प्रभु ने दी है ना कोई बात नहीं ये भी कोई उसकी लीला होगी उसकी मौज होगी और एक क्षण में आप पाएंगे जब भाव में वो आ जाएगा ये भी कोई उसकी लीला होगी और यदि वो चाहेगा उसकी कृपा हो जाएगी मेरे मन तो विश्वास रख उसकी कृपा की डिक्शनरी में असंभव शब्द कहीं नहीं है मेरे मन ये इंपॉसिबल शब्द असंभव शब्द संसार के शब्द कोश में होगा होता है लेकिन मेरे मन विश्वास रख प्रभु की कृपा के शब्दकोश में असंभव शब्द कहीं नहीं